छत्तीसगढ़ राजस्थान, उससे भाजपा के नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश दिखाई दे रहा है, काफ़ी गदगद दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए प्रदेश कार्यालय है झारखंड बीजेपी का, और यहाँ पर जो कार्यकर्ता है नेता है वो पहुँचे हुए हैं, और आपके देख सकते हैं किस तरह से उनके चेहरों में मुस्कान दिखाई देगी, जिस तरह से रिजल्ट सामने आ रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता है उनसे बात करते हैं, जिस तरह का परिणाम अभी तक जो है देखने को मिला है उससे आप लोग काफ़ी गदगद दिखाई दे रहे, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे, नारेबाजी कर रहे हैं। पहले तो तीनों राज्यों के जनता को भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और इसका श्रेय तीन आदमी को जाता है, भारत के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के कुशल नेतृत्व में आज हम इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। और हम सभी को विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, 140 करोड़ भारतवासियों को विश्वास है कि अगला चुनाव में 5 साल में भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है। इसका असर लोकसभा चुनाव में दिखेगा? निश्चित निश्चित, ये तो जो है अभी तो शुरुआती टेलर है ना, अब देखिए 24 में क्या होने वाला है, ये तो शुरुआती है। क्या कहेंगे आज के परिणाम को लेकर, अभी रुझान जो दिख रहे हैं? मोदी है तो मुमकिन है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और क्या कहना, आप लोग मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, लड्डू खिला रहे थे एक दूसरे को, अब जो है काफी गर्मजोशी से बाहर जो है नारेबाजी कर रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं, परिणाम देख के आप भी काफी खुश होंगे, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए ऐतिहासिक दिन है, आज जिस तरह से तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल किया है, वो हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी की बात है, इसीलिए हम लोग आज मिठाई और गुल अभी लगाएंगे आज शाम तक में। छत्तीसगढ़ का जो परिणाम दिख रहा है, जो रुझान दिख रहे हैं, एक्सपेक्टेशन था इस तरह? तो पहले से आश्वस्त थे कि हम लोग छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे, हम लोग पहले से आश्वस्त है। उसे टोटल कुल मिलाकर, कुल मिलाकर कहा जाए तो काफी खुश है। हाँ हाँ, बहुत खुश है, बहुत खुश है। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, ये जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बता दिया है कि जनता में हमारी मोदी जी का पकड़ कितना है, और आने वाला 2024 का चुनाव में प्रचंड वोट से मोदी जी फिर आएंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काफी खुश है, और देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है और खुशी का इजहार किया जा रहा है, जिस तरह से जो रुझान सामने आ रहे हैं, और देखिए यहाँ पर फिर से मिठाइयाँ जो है वो बांटी जा रही है, प्रदेश कार्यालय के अंदर मिठाइयाँ बांटी गई थी, अब प्रदेश कार्यालय के बाहर भी कुछ उसी तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, जहाँ कार्यकर्ता जो है तमाम जो वो एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हुए खिलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और नारेबाजी करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो किस तरह से जो है मिठाइयाँ बांटी जा रही है, मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, कुछ लोगों से और कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें, उनसे उनकी प्रतिक्रिया लें कि आज का जो रुझान है उसको कैसे देखते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रहा था, अभी तक का जो रुझान है आप लोग के उम्मीद से कहीं आगे क्या? देखिए ये जनता का विश्वास है और माननीय मोदी जी की गारंटी का देन है, और आम कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर जाकर जो मेहनत किया है उसका परिणाम है, और जनता के दिल में भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ती रुझानों का ये परिणाम है कि हम तीन राज्यों में उम्मीद से ज़्यादा, अपेक्षा से ज़्यादा हम चुनाव जीत के आ रहे हैं, और तीनों राज्यों में सरकार बनाने के जा रहे हैं। क्या कहेंगे आज के देखकर, काफ़ी आप लोग खुश दिखाई दे रहे हैं, और जो उम्मीद था उसी के मुताबिक ये रुझान? देखिए ये स्वाभाविक है, कार्यकर्ताओं ने, यहाँ से भी कार्यकर्ता जाकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पसीना बहाने का काम लोगों ने किया है, हमारे बड़े और वरिष्ठ नेताओं ने भी, दिग्गज नेताओं ने पसीना बहा, प्रधानमंत्री जी स्वयं लगे रहे, तो स्वाभाविक रूप से हर्ष और आनंद होगा, और भारतीय जनता पार्टी की जो सही दिशा और स्पष्ट नीति है उस पर मुहर लगा है, गरीब कल्याणकारी योजनाएं जो धरातल पर उतरी हैं देश में उस पर मुहर लगा है, इसलिए खुशी होना स्वाभाविक है। छत्तीसगढ़ की बात करें, एक समय लग रहा था जब एग्जिट पोल आए थे उसमें कांटे की टक्कर की बात कही जा रही थी, लेकिन अब जो है कि आप लोग बहुमत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, कांटे की टक्कर तो हर जगह कांग्रेस बोल रही थी कि हम हैं टक्कर में, लेकिन हम लोग जान रहे थे कि वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो सही है और स्पष्ट है, हम गरीब से गरीब लोगों के लिए भी काम करते हैं,
हमारी पार्टी कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है, ये पूरे देश की पार्टी है, जन जन की पार्टी है। यही एक ऐसा दल है जहां पर हर जाति हर धर्म के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है और योजनाएं भी सबके लिए बनती हैं। तभी मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।